रोटी सब्जी और फ्रूट्स, भूख लगने का इंतजार करना नहीं चाहिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 5:15 बजे का ऐसा टाइम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जब मैं सुबह उठ के आती हूँ तो किचन में आके मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और जब दूध बॉयल हो जाता है तो उसके बाद फिर सब्जी छौंक देती हूँ। जब तक मेरा दूध बॉयल होता है तो मैं सब्जी कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद सब्जी छौंकना स्टार्ट करती हूँ। बस हर हाउसवाइफ को किचन में ऐसे ही काम करना पड़ता है, और मॉर्निंग टाइम तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है जब तक बच्चे स्कूल ना जाए। और मेरे बच्चे थोड़ा सा जल्दी जाते हैं क्योंकि बस जल्दी आ जाती है, दूर स्कूल है तो इस वजह से वो 1 घंटा पहले चले जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। बट मैं उसी टाइम अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, लगभग 9 बजे से पहले मेरे सारे मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम जल्दी हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग के 6 बजे है लगभग, हल्का हल्का उजाला हो गया है क्योंकि आजकल जल्दी उजाला होता है गर्मियों में। तो सब्जी मेरी बन गई है, आटा गूंथ के रख दिए, फटाफट से बाहर पे झाड़ू लगाती उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज। झाड़ू लगाते हुए आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगाती और फिर मिलते हैं एक्सरसाइज करते। बाहर की सफाई निपटाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। इससे पहले मैंने, जब मैं झाड़ू लगा के आई थी तो मैंने बच्चों को उठा दिया था, थोड़ा सा मैं उनसे बोल देती हूँ कि बेटा उठो, तो थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है, उनको भी नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो एक्सरसाइज गाइज मैंने अपने मतलब डेली लाइफ में मतलब मैं करूँगी ही करूँगी, मैंने अब ये सोच लिया है। पहले भी मैं करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी और डेली शाम के टाइम पे मैं, जब बच्चे छोटे थे उनका हाथ पकड़ के डेली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग मैं घूमने चले जाती थी। तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, ऐसे थोड़ी सी घर पर प्रॉब्लम भी हो गई थी, और फिर होता है ना कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो अब आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज, टहलना, ये सब कुछ मैं अपने डेली लाइफ में रखूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के लिए लंच तैयार कर दूंगी और साथ में उनको दूध भी दे दूंगी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो तैयार खुद से हो जाते हैं, बट पहले मैं सब कुछ करती थी तो उन दिनों मैं 4 बजे उठ जाती थी, क्योंकि 2 बच्चों को साथ में रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल वो तैयार खुद से हो जाते हैं, बट मुझे किचन का और इस बस लास्ट में थोड़ा सा देख लेती कि उनने कपड़े अच्छे से पहने या नहीं पहने, या मतलब जो भी है, बस मैं लंच उनका तैयार कर देती हूँ, वो किचन से खुद से ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं ना उनके बैग से लंच बॉक्स निकालती हूँ ना मैं रखती हूँ, खुद से उनको मैं आवाज़ लगा देती हूँ कि बेटा लंच तैयार हो गया ले जाओ, तो दोनों आते हैं अपना अपना ले जा लेते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अपने लिए पानी बनाऊंगी और बच्चों को खाना भी दे दूंगी। मेरे घर पे जो बनता है मैं वो बच्चों को देती हूँ ना। हेलो गाइस, आपने मेरी पेंटिंग रख रखी है, ट्रॉफी कैसे पहने हो? डेली मॉर्निंग में मैं नींबू और शहद का पानी लेती हूँ। तो एक्सरसाइज करने से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए और उसके जस्ट बाद भी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग मुझे एक्सरसाइज किए हुए 15 से 20 मिनट हो गया था। मॉर्निंग के सारे काम फिनिश, अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में है मेरा आज रोटी सब्जी और फ्रूट्स। तो और दिन क्या होता है ना, मैं फ्रूट्स थोड़ा सा रुक के लेती हूँ, जैसे नाश्ता किया उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो आज तो मुझे जाना है खेत में प्याज की गुड़ाई करने के लिए, फिर टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फिर घर आऊँगी, खाना बनाना ये सब कुछ, तो इसलिए आज मैं साथ में खा ले रही हूँ और किचन का सारा काम मेरा निपट गया है। तो आज मैं जीरा वाटर नहीं लूँगी क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं है, तो मैं हल्का गुनगुना पानी ना बोतल में रख के ले जाऊँगी, वहीं पी लूँगी 15 से 20 मिनट बाद। तुरंत नहीं पीना चाहिए नाश्ता करते ही, ये तो सभी को पता होगा कि खाना खाने के मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पर भी पानी नहीं पीना चाहिए, बट जब ऐसा भी नहीं है कभी गले में अटक जाता है तो मैं तो पी लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो मतलब एक्सपर्ट बताते हैं ना, जो मतलब हेल्थ हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो अगर वो लोग जैसे बताते हैं तो मैं तो इतना फॉलो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उनके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना। यस, एक्सरसाइज, अपना खाना पीना घर पे जैसा है नेचुरल, ये चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी हस्बैंड और बच्चों को मैं ये चीज़ें दूँ और ये चीज़ें फॉलो करूँ, और इतना कुछ हमसे फॉलो नहीं हो सकता है जितना एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो बस ये फटाफट से मैं ये खाऊँगी, और हमेशा भूख लगने का इंतज़ार करना नहीं चाहिए, भूख लगने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए और टाइम टू टाइम। पहले मैं क्या करती थी, जैसे सुबह नाश्ता करा फिर दिन में खाना खाऊंगी फिर रात में ही खाना खाती थी, बट
कुछ टाइम से मैंने ये कर दिया है कि टाइम टू टाइम कुछ लेना ही लेना है। मतलब जैसे मैंने नाश्ता किया, उसके 2 घंटे बाद मैं थोड़ा सा फल ले लेती हूँ, फिर उसके 1-2 घंटे बाद फिर कुछ ले लिया, फिर दिन में खाने का टाइम हो जाता है। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करके कुछ लेना है। जैसे प्यास लगती है तो प्यास लगने का इंतजार ही नहीं करना है, प्यास लगने से पहले ही टाइम टू टाइम पानी ले लेना है, भूख लगने से पहले ही खाना खा लेना है। वरना जब भूख लगती है तो हम एक साथ ना बहुत ज़्यादा खा देते हैं। तो वही कुछ गलतियाँ मैंने पहले करी थी कुछ टाइम, तो उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी थी। बट कोई नहीं, कभी कभी होता है, तो आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खेत में, और प्याज में ना थोड़ा सा ज़्यादा घास हो गया था, और हम लोग दवाई वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, बस गोबर वाली खाद ही, और नेचुरली मतलब जैसे होता है वैसे हम लोग करते हैं, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी घास हो जाती है। और इस बार फैमिली में फंक्शन था, फिर उसके बाद घर के काम, जब फंक्शन होते हैं तो इतने ढेर कपड़े हो जाते हैं, उनको ही मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जी में जितना कम घास हो, जितनी जल्दी गुड़ाई हो जाए। वैसे मुझे मतलब खेत में सब्जी लगाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं करता, ये मेरी अपनी शौक है। मैं सोचती हूँ जितना मेरा टाइम बचता है तो मैं कर लूँ, जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूँ। अपने लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ, जितना 1-1.5 घंटा 1-2 घंटा जितना भी होता है, तो मैं वो आ जाती हूँ खेत में और थोड़ा सा कर लेती हूँ। अच्छा लगता है अपने घर की सब्जी, आप लोग देखते होंगे थोड़ी बहुत, हमारे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तीन क्यारी प्याज की गुड़ाई कर दी है, एक और बचा है, अब इसको मैं परसों करूँगी। कल तो संडे है और फिर बच्चों की छुट्टी होगी तो नहीं हो पाएगा, और एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कि ये वाली क्यारी, उधर वाली क्यारी और ये वाली, और जो सबसे उधर है उस वाले की कल करूँगी। तो बस यही है आज का व्लॉग, यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।